Today we are going to start our new lesson, that is HCF and HCL. In previous lecture also and in previous class we also see the factorization method to find out the HCF and HCL. हमने पहले ही क्या किया है कि जो हमारा लास्ट ईयर था तो उससे HCF और HCL निकाले थे by using the factorization method. हमने factorization method use की थी. तो हमें फिर से क्या करना है? HCF और HCL हमें फिर से क्या करना है? Find out करना है by using the various method. अलग अलग method यहाँ पे हमें use करना है. Before to start the lesson, we have to know about the different types of the numbers. हमें क्या अलग अलग types of the numbers है वो पता होना चाहिए. जैसे आपको natural numbers पता है, odd numbers पता है, even numbers पता है, उसी तरह से हमें क्या करना है और कुछ types देखने. जिसमें से first type है, that is the prime numbers. देखो यहाँ पर मैंने short में उसकी क्या लिखी है definition. Prime number, the number which is divisible by 1 and itself. ऐसा number कि जो क्या हो divisible, मतलब वो किससे divide हो? 1 से और उसी number से. क्या कि जो number से 1 से और उसी number से divide हो तो उसे कहा जाता है prime number. जैसे मैं यहाँ पे example दे रही हूँ 11. ओके, अभी मुझे बताओ कि 11 कौन से table में आता है? S. उसे क्या कर सकते हो? 1 से divide कर सकते. ओके, और 11 के टेबल में 11 आता है. क्या 11 के टेबल में 11 आता है? मतलब सिर्फ ऐसे नंबर कि जिस नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते और उसी नंबर से क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते, उसे कहा जाता है प्राइम नंबर. उसे कहा जाता है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द 2. व्हाट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर? 1 क्या है? प्राइम नंबर कहिए. ओके, 2 जैसे 2 है, 2 कौन से टेबल में आता है? यस, सिर्फ 1 से उसे डिवाइड कर सकते हो और 2 से. देन 3, 3 का भी सेम, सिर्फ उसे क्या कर सकते हो? 1 से डिवाइड कर सकते हो 3 से. उसके बाद 5 से, 7 से. अभी मुझे बताओ कि 8 प्राइम नंबर साइड है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि 8 को आप 8 को देखो कि कौन कौन से टेबल में, हम उसे 1 से डिवाइड कर सकते. ठीक है, किसी भी नंबर को हम 1 से क्या कर सकते? डिवाइड कर सकते. सेकेंड, 2 के टेबल में आता है 2 4 सा 8, इसीलिए 8 नहीं आएगा. उसके बाद 4 2 सा 8, तो इसीलिए 8 क्या नहीं आएगा? प्राइम नंबर नहीं आएगा. ओके, और एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो ऑड नंबर्स होते हैं ना, सारे नहीं है, कुछ ऑड नंबर्स वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं. बट आपको याद रखना है कि कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. जो नंबर सिर्फ 1 से और उसी नंबर से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर. समझ में आया? अभी नेक्स्ट करते हैं, दैट इज कंपोजिट नंबर्स. नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर्स. देखो कंपोजिट नंबर मतलब कौन से? शॉर्ट में क्या है? द नंबर व्हिच इज पॉजिटिव इंटीजर. कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं व्हिच इज नॉट प्राइम. कंडीशन देखो क्या है कि जो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पता है आपको? यस, कि जैसे हमने लास्ट जो हमारा लेसन था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, उसमें मैंने बताया था कि इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब इन शॉर्ट सारे नंबर्स की जो क्या होते हैं? पॉजिटिव, स्टार्ट फ्रॉम द 1. ओके, तो इंपॉर्टेंट. बट व्हिच इज नॉट प्राइम, की जो प्राइम नहीं है. क्या है कंपोजिट नंबर? क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है वो जो प्राइम नहीं है? मतलब कौन से नंबर? देखो 4. अभी 4 का तो अभी कौन कौन से टेबल में आते हैं? यस, उसे डिवाइड कर सकते हो 1 से, देन 2 से, देन 4 से. मतलब कितने भाग का सारे उसके, मतलब डिवाइड है भाग. देखो 4 उसे हम क्या कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं. उसके बाद 4 को 2 से डिवाइड कर ले जो कंप्लीट वहां पे डिवीजन होती, और 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं. मतलब ये डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है. मतलब ये वहां पे प्राइम नंबर्स थे, 4 के प्राइम नंबर्स थे. प्राइम नंबर्स थे पॉजिटिव नंबर्स से, इंटीजर से पॉजिटिव थे, मतलब ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर्स. क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर. कौन कौन से कंपोजिट नंबर है? 4, 6, 8, 10 और इनफाइनाइट. ऐसे बहुत सारे क्या वहां पे कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स मतलब क्या? द नंबर व्हिच इज पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स नॉट
1, 2, 4 एक फैक्टर हो गए 8 के। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स, तो फिर से फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, वन वन लिखा, नेक्स्ट टू, टू के टेबल पे 14 आता है, 2 7 14, अभी थ्री, थ्री का टेबल बताओ तो 14 लिख के थ्री के टेबल में 9, वेरी गुड, उसके बाद फोर के टेबल में 9, फाइव के टेबल में 9, सिक्स के 9, सेवन सेवन टू जब 14 क्या आएगा, 7 2 14 तो 7 ही है, और लास्ट क्या आता है 14 की जो वही नंबर है। अभी हमने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ 8 निकाले, फैक्टर्स ऑफ 14, अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स, ओके कॉमन फैक्टर्स दोनों के कॉमन क्या है, 1 1 कॉमन है, इसे मैं सर्कल करती हूं, 1 या फिर भी 1, ओके नेक्स्ट 2, दोनों में 2 है तो इसे भी सर्कल कीजिए, तो क्या है कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 2। कंडीशन क्या है कोप्राइम नंबर्स की, कि उनके कॉमन फैक्टर क्या आने चाहिए, ओनली 1, क्या आना चाहिए सिर्फ 1, तब वो कोप्राइम्स होंगे। तो बताओ ये कोप्राइम्स आएंगे क्या ये नंबर्स, नहीं, therefore 8 and 14 are not coprime pairs, वो coprime pairs नहीं है, तो वैसे आपको लास्ट में लिखना है कि ये दोनों coprime pairs नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट 4 and 5 सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या है, 4 and 5, अभी सबसे पहले 4 के फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे, यस 1 2 and then 4, 1 2 4, फैक्टर्स ऑफ 1 and 5, ओके अब ये दोनों के कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स दोनों के इसमें क्या कॉमन है, 1 and 1, कोई और नहीं है नंबर कॉमन, नहीं, या फिर 2 है तो या फिर नहीं है, या फिर 4 है तो या फिर नहीं है, या फिर 5 है तो इसमें क्या कॉमन है, तो या फिर सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो या फिर लिखा कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। अभी कॉमन फैक्टर 1 है, एक ही है, मतलब 1 ही वहां पे, तो क्या आएगी को प्राइम नंबर, therefore 4 and 5 are pair of coprime, ये coprime की क्या है pair, ओके ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको थर्ड एंड फोर्थ पे दिया गया है, जो थर्ड नंबर की पेयर है देखो 17 एंड 19 है, और जो फोर्थ नंबर की पेयर है वो 27 एंड 15, आपको क्या करना होगा ये होगा कि आपको ये बताना होगा कि ये coprime pairs है कि नहीं। अभी जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 5 6